वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसे टेस्ट ड्राइव करने वाला हूं। तो आइए चलिए टेस्ट ड्राइव करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने इसे चेक किया ड्राइव करके कि ये इंजन जो है वो ड्राइव नहीं कर पा रहा, क्योंकि गियरिंग हाई है इसके लिए। तो अभी मैं एक काउंटर शाफ्ट बनाने का सोच रहा हूँ, जिससे मैं इसकी गियरिंग थोड़ा डाउन कर सकूँ, लो कर सकूँ। तो अभी मैं उसको सोच रहा हूँ उसके बारे में कि वो बनाऊँ मैं, क्या पता उसके बाद ये सही चल पड़े। अभी तो ये क्लच काम कर रहा है, लेकिन उतना नहीं काम कर रहा कि मतलब उठा ले चीज़ को, उठा नहीं पा रहा, मतलब जोर लगा रहा है, बस जोर लगा पा रहा है लेकिन उठा नहीं रहा इसको, चला नहीं पा रहा है। तो इस तरह से मैंने क्लच भी खोला है इसका, साफ किया क्लच बिल्कुल साफ करके मैंने लगाया है इस पे फिर से। तो मैंने बहुत कुछ करके ट्राई किया लेकिन सब चीज़ फेल होती है। तो उसके बाद मैंने अभी सोचा है कि मैं इसकी गियरिंग थोड़ी लो करूँ और गियरिंग लो करने के साथ ट्राई करके देखूँ कि क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने ये नई दो पुली ली हैं इसकी, ये 2 इंच की पुलियां हैं, दो बेल ड्राइव। तो अभी मेरे ऑलरेडी इंजन पे लगी हुई है 6 इंच की पुली, तो 6 इंच से मैं 4 इंच की पुली ड्राइव कर रहा था। गियरिंग्स बहुत हाई थी, मतलब इंजन का जो है वो एक चक्कर तो नीचे, ड्राइव शाफ्ट का 2 चक्कर, मैं 1.5 चक्कर बन रहा था। तो अभी मैं इसके साथ ये दो पुली यूज़ करने से तकरीबन इंजन का 1 चक्कर और नीचे ड्राइव शाफ्ट का 5 चक्कर बनेंगे। तो मैं अभी फर्स्ट ट्राई करना चाहता हूँ इन दोनों को, उसके बाद अगर ये भी फेल हुआ तो फिर कुछ और चीज़ ट्राई करेंगे, लेकिन पहले ये चीज़ ट्राई करके देखना चाहता हूँ। तो मैंने ये बना लिया है, ये काउंटर शाफ्ट होगी मेरी। तो यहाँ से एक पुली इसको लगेगी इस तरह से, और दूसरी तरफ से भी इसको पुली लगेगी इस तरह से, ये दोनों तरफ से पुली लगेंगी। अभी मुझे इस पर की लग बनाना है वह इसका, ये मार मार के निकालने से जो है इसमें जाम बहुत जा रही थी, फ्री करने के लिए जो है निकालने में ये डैमेज हो गई, लेकिन इतनी डैमेज नहीं है, सिर्फ आउटसाइड डैमेज है, इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मुझे अभी की लग बनाना है वह की लग, मैं वेल्डिंग से बनाऊँगा इस पर, वेल्डिंग से इस पर की लग बनाऊँगा इसके लिए, ये की लग के लिए, इसके लिए मैं की लग बनाऊँगा अभी इधर, ताकि ये पुली जो है अभी इसमें फ्री है वो फ्रीपन जो है इसका ख़त्म हो जाए, मतलब जाम हो जाए, और फिर मैं ये इस थ्रेड को यूज़ करूँगा, इस पर मैं नट टाइट कर दूँगा, इस पर मैं ये नट ऐसे टाइट कर दूँगा, ये पुली जो है इसके अंदर फिक्स हो जाएगी इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, मैंने यही करना है दोनों साइड से, और ये मेरा एक सेट बन जाएगा जो काउंटर शाफ्ट होगा बग्गी के लिए, इसके लिए जो मैं यहाँ पर फिट करने जा रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे फिट करूँगा, मैं ये इंजन से ड्राइव होगा ये इस काउंटर शाफ्ट पे, फिर उससे फिर मैं दूसरी पुली से इसको नीचे ड्राइव करूँगा इस मेन शाफ्ट को। तो उसके लिए भी मैं ऐसे ही करूँगा, उधर की लग बनाऊँगा और शाफ्ट मतलब लगाऊँगा उसको, वो पुली को ड्राइव करूँगा। तो मतलब ये इस तरह से हो जाएगा, ये इंजन ड्राइव करेगा इस शाफ्ट को, शाफ्ट ड्राइव करेगी नीचे मेन शाफ्ट को, तो ये काउंटर शाफ्ट है।
ये पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये सिलेंसर मैंने नीचे रखा हुआ था, अभी मैंने इसको ऊपर किया है क्योंकि मुझे ये काउंटर शाफ्ट मैंने जैसे बनाया था तो पहले इसकी गियरिंग्स के हिसाब से मैं बहुत मतलब कंफ्यूज रह गया। तो यहाँ पे मैंने इंजन पे अभी 2 इंच की पुली से मैंने इसको 4 इंच पे कन्वर्ट किया, फिर इस पे 2 इंच से मैंने 6 इंच पे कन्वर्ट किया। मैंने क्लच मतलब मैं नीचे लेके गया लेकिन वो भी फेल हो गया था तो मैंने क्लच सिस्टम कैंसिल कर दिया और मैनुअल क्लच सिस्टम बना रहा हूँ। तो मेरा मैनुअल क्लच सिस्टम होगा कुछ इस तरह से कि ये होगा मतलब ये चीज़ जो है ये मेरा क्लच होगा। तो मैं बेल्ट लूज़ करूँगा, यहाँ पर बेल्ट स्लिप मार रहा होगा, स्लिप हो रहा होगा, तो जैसे ही मुझे मतलब क्लच एंगेज करना होगा तो मैं वहाँ पे क्लच पैंडल लगाऊँगा, तो वो जैसे ही छोड़ेगा तो ये वापस आएगा तो बेल्ट को टाइट करेगा, जब ये टाइट करेगा तो नीचे से और ये ड्राइव करेगा फ्रंट ड्राइव। तो इस तरह से मैंने अभी सोचा हुआ बनाने का, अभी मैं क्लच पैनल बनाता हूँ और इसको लगा के फिर इसको टेस्ट ड्राइव करूँगा। ये आप देख रहे हैं ना स्मोक, ये स्मोक है बेल्ट का, तो बेल्ट जो है ना वो ओवर हीट हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं बेल्ट पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। ये देखें कैसे मतलब ये बहुत ओवर हीट हो जाती है। तो मैंने मैनुअल क्लच बनाया तो ये भी नहीं काम किया। तो ऑलराइट दोस्तों, तो आपने देखा मैंने इसको टेस्ट ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन ये नहीं चल रही बराबर से, क्यों मैंने मैनुअल पहले मैंने इसका ऑटोमेटिक क्लच रखा हुआ था वो इंजन में लगाया हुआ था, तो इंजन से जो है फिर गियर रेशियोज जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैंने वो मैनुअल क्लच सिस्टम को मतलब इसका ऑटोमेटिक क्लच सिस्टम को ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। तो फिर मैंने इंजन पे 2 इंच की पुली इंजन पे लगाई और 2 इंच से 4 इंच पे कन्वर्ट किया, और 4 इंच वाली पुली वो 1 इंच पुली को घुमा के फिर वो नीचे जो है वो 6 इंच पुली। अब गियर रेशियो मैंने इंजन के मतलब 5 चक्कर थे, अब 6 चक्कर थे इंजन के, और शफ्ट जो टायर का व्हील का चक्कर था वो 1 चक्कर था, इस तरह से मैंने किया लेकिन फिर भी नहीं चला। तो मैंने मैनुअल क्लच बनाया, मैनुअल क्लच बनाने के बाद जो है इसको ड्राइव करके देखा तो ड्राइव हो रहा है, ये मूव हो रही है लेकिन टॉर्क नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब पावर नहीं है जो मुझे चाहिए। वो पावर के लिए मुझे आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे ये कम्प्लीटली इंजन ही रिमूव करना पड़ेगा, मैं इस पे मैं इंजन ही चेंज करूँगा कम्प्लीट इंजन इसका, मतलब मुझे ये इंजन की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंजन में जो चीज़ चाहिए मुझे सीवीटी चाहिए, सीवीटी वो सीवीटी मुझे अवेलेबल यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मैं ये इंजन यूज नहीं कर सक रहा है। अगर वो सीवीटी मुझे मैं ढूंढा बहुत लेकिन मुझे मिला नहीं, अगर वो मिल जाता मुझे तो ये इंजन मैं यूज करता सीवीटी के साथ, तो मुझे ये सब चीजों का मतलब ये पुलियों के साथ मुझे नहीं खेलना पड़ता, मतलब इसमें ये पुलियों को सब एडजस्टमेंट करनी ये सब करना, तो इसने मेरा बहुत टाइम था, मैं बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने इस पे लेकिन फिर भी कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। जो भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं फाइनली जो मुझे स्क्रैप यार्ड से बाइक मिला था
उसके अंदर रिवर्स गियर भी है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अंदर रिवर्स गियर भी है और फॉरवर्ड का भी है, तो इसको रिवर्स करने के लिए भी मुझे वो इंजन बेस्ट रहेगा इसके लिए। मैं तो 150 सीसी है और रिवर्स गियर भी है उसमें, तो वो इंजन इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो मैंने सोचा हुआ। तो अगर दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो शायद, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपने मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर पिछला पार्ट मिल जाएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इधर दबा दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।